my dear student, I hope you all are doing great. So today we will start the new chapter, the second chapter of our unit 1, the meaning and concept of art education. So art education की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो जानो कि art होता क्या है. Art क्या है? अगर किसी भी चीज़ में beautification ढूंढना, आर्ट वर्ड के साथ आप एस्थेटिक वर्ड बहुत आसानी से जोड़ सकते हो, सौंदर्य बहुत आसानी से जोड़ सकते हो. देखो, हर एक प्राणी चाहता है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, वो अपनी लाइफ में खुशी ढूंढे, कंफर्टेबल रहे, प्लेजर फील करे, और पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता. तो उसी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, और सेंसेस भी कैसी, द एस्थेटिक वन. तो अपनी सेंसेस को यूज करके जब एस्थेटिक चीजों के द्वारा प्लेजर फील करता हुआ वो किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, वही हमारी आर्ट कहलाएगी. थ्रू द मीडियम ऑफ आर्ट अ पर्सन आर्टिकुलेट एंड एक्सप्रेस दिस लेटेंट फीलिंग, लिटरेचर, म्यूजिक, पोर्ट्रेचर, द स्टैच्यू, द आर्किटेक्चर. देखो यहाँ क्या कह रही हूँ मैं कि ये जो हमारा आर्ट है ना, वो ऐसी चीजों को व्यक्त करना सिखाता है जिसके अंदर आपकी भावनाएं, संगीत, चित्रण, मूर्ति स्थापना, इन सारी चीजों में जब आप क्या कर रहे हो, अपनी सेंसेस को यूज करके कला मतलब सौंदर्यता ढूंढ रहे हो, तो वो भी आपकी आर्ट कहलाएगी. मतलब अगर आप बिल्कुल बारीकी से ढूंढ रहे हो तो वो आपकी फाइन आर्ट कहलाएगी. लाइक आर्ट का सिर्फ एक ही फॉर्म नहीं है कि आप आर्ट के लिए क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं. परफॉर्मिंग आर्ट इज आल्सो देयर. तो डांस करना, म्यूजिक बजाना, जैसे किसी को डांस करके प्लेजर फील होता है, कोई अपना डांस करके एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई म्यूजिक से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो भी हमारी आर्ट के पार्ट हैं. तो आर्ट एक चीज़ और कहता है, हमने बहुत बार सुना है कि सत्यम शिवम सुंदरम. सत्य, शिवम और सुंदर, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि शिव ही सत्य हैं, वही सुंदर हैं. और यहाँ क्या मतलब है कि आपको भी ब्यूटीनेस, द गुडनेस एंड द ट्रूथफुलनेस ढूंढनी है. यही प्रिंसिपल है आर्ट का. मतलब आर्ट का कोई प्रिंसिपल आपसे पूछे तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये आर्ट का प्रिंसिपल है. और एक बात और कही गई है, इट इज सेड टू द देयर आर द 64 फॉर्म्स ऑफ आर्ट, द इंडियन क्लासिकल, द विष्णु धर्मोत्तना पुराण, जो विष्णु धर्म उत्थान पुराण है उसके अंदर कालनाम प्रवरम चरित्रम कह रहे, कलाम परवरम चरित्रम, विच मीन्स दैट पोर्ट्रेचर ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट. मतलब जो कला है ना, उसकी बेस्ट फॉर्म क्या है, द चित्रकला. कला की बेस्ट फॉर्म चित्रकला है. और कह सकते हैं कि जो आर्ट है वो हमारी लाइफ का बेस है, और हमारी ह्यूमन लाइफ को और रंगीन बनाने के लिए और ब्यूटीफुल बनाने के लिए आर्ट की जरूरत है. डेफिनेशन की बात करूं, आर्ट हैज डिफाइंड एज बाय मेनी स्कॉलर्स व्हिच कैरीज आउट द इंपॉर्टेंस एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस. अरिस्टोटल कहते हैं, आर्ट कंप्लीट्स व्हाट नेचर कैन नॉट ब्रिंग टू फिनिश. जो प्रकृति एक एंड तक नहीं ले पाई है, उसे आर्टिस्ट अपनी नॉलेज से, अनरियलाइज्ड फैक्ट से उसे एक एंडिंग तक पहुंचा सकता है. लियोनार्डो डा विंची, वो क्या कहते हैं, आर्ट इज एन ए क्वीन ऑफ साइंस कम्युनिकेटिंग नॉलेज टू ऑल द जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड. कला जो है सभी विज्ञानों की रानी है, मतलब जितने भी विज्ञान हैं उनकी रानी है. और जैसे ज्ञान का संचार होता गया है पीढ़िया दर पीढ़िया, ऐसे ही कला भी उसका संचरण कर रही है. मैकलियांगलो कहते हैं, द ट्रू वर्क ऑफ आर्ट इज बट शेडो ऑफ डिवाइन परफेक्शन. क्या कह रहे हैं कि कला का सच्चा काम ही ईश्वरीय पूर्णता की छाया मात्र है. तो वी कैन से दैट द आर्ट इज अ काइंड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, आर्ट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री प्रिंसिपल, आर्ट इज मेकिंग द ह्यूमन लाइफ सुटेबल, आर्ट इज मेकिंग द वर्ल्ड वेरी पीसफुल, दैट इज द फॉर्म ऑफ ऑल आर्ट. आर्ट एजुकेशन मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आर्ट एजुकेशन का बहुत डीपर रिलेशनशिप है विद एजुकेशन, और ये तीनों डोमेन पे काम करता है. हम इन तीनों डोमेन से काफ़ी अवेयर भी हैं. द कॉग्निटिव, जिसके अंदर आप संज्ञानात्मक से रिलेट करते हो, द साइकोमोटर, जिसके अंदर आप किससे रिलेट करते हो, एफेक्टिव भावनात्मक से, और दूसरा होता है साइकोमोटर, जिसमें आप शारीरिक या गत्यात्मक प्रक्रियाओं से रिलेट करते हो. तो इसके अंदर क्या है, आर्ट क्या है, हमारे ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, और मॉडर्न आर्ट हमें जोड़ रहा है कि हम अपनी जो टू द जनरेशन है, जो नाउ डेज प्रेजेंट जनरेशन है, उससे हम खुद को कैसे जोड़ सकते हैं. टू अंडरस्टैंड आर्ट इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द हिस्ट्री. एंड आर्ट को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हिस्ट्री को जानो, आप आर्ट के आर्टिकल्स बनाओ, आइडियाज़ को जानो, और जो चीज़ें हमारी लाइफ में अनटच्ड रह गई हैं, आर्ट उनसे भी हमें क्या कराता है, वन टू वन कराता है, सरोकार कराता है.
आर्ट डेवलप करने का काम सिर्फ पेंटिंग, मैंने शुरू में भी पहला पेंटिंग नहीं है, जैसे बिल्डर बिल्डिंग बना रहे हैं, आर्किटेक्चर आपका घर बना रहे हैं, कोई ब्रिजेस बना रहा है, कोई रिवर के ऊपर कुछ और पुल बना रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, यस डैम्स बन रहे हैं, ह्यूमन की पीस को जानने की कोशिश हो रही है, इमेजिनेशन को पेपर पे उकेरा जा रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्ट. तो आर्ट इज डेवलपिंग द एस्थेटिक ऑफ एवरी नेचर एंड रिमूविंग द अग्लीनेस ऑफ एवरीथिंग. मतलब हर एक स्टफ से जो चीजें अच्छी नहीं लगती उसको रिमूव करना और उसके अंदर ब्यूटी ढूंढना ही आर्ट है. सो वी कैन से दैट आर्ट इज अ लाइफ बिकॉज आर्ट डेवलप्स द ह्यूमैनिटी. जो एक बच्चा है वो भी अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव लेके पैदा होता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, हम सबका यही ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी जिंदगी में खुशी खुशी हंसी हंसी रहें. इसके लिए ही हम जॉब करते हैं कि हमारे पास 10 सुविधाएं हों. तो उन्हीं की अचीवमेंट के लिए ये आपको सोशली कल्चरली मेडिकली मेडिकली कर रही हूँ सॉरी सोशली कल्चरली इकोनॉमिकली एंड एस्थेटिकली आपको ब्यूटिफिकेशन देना, ये हमारी आर्ट का उद्देश्य है. तो आर्ट के दो जर्नल उद्देश्य हैं हमारे, साइकोलॉजिकल और जर्नल उद्देश्य. जर्नल पे बात करूँ तो क्या है, सोशल प्रोस्पेंसिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेंसिटी. प्रोस्पेंसिटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, मतलब आपका व्यवहार. कल्चरल प्रोपेंसिटी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, स्प्रिट एंड बॉडी, अनुभूति होना, आत्मा की, शरीर की और शरीर के विकास पे ध्यान देना. इसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव, इमेजिनेशन पावर बढ़ना, एबिलिटी बढ़ना, इमोशनल स्टेबिलिटी बच्चे की बढ़ना, बिहेवियर एजुकेशन बच्चे में आना, वी फीलिंग सीखना बच्चे की और नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ की हमें क्यों जरूरत है. तो हम दोनों को कलेक्टिवली पढ़ रहे हैं. सबसे पहली है सोशल प्रोस्पेंसिटी. सोशल में क्या है, स्कूल के अंदर जब बच्चा आर्ट कर रहा होता है वो दूसरों के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है और सोशली बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है. इकोनॉमिक प्रोस्पेंसिटी की बात करूँ तो इकोनॉमिक का मतलब है अगर आप आर्ट को अपना वोकेशन चूज कर सकते हो तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, दैट इज मूवेबल और इनमूवेबल. मूवेबल का मतलब आपको मनी कलेक्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, और नॉन मूवेबल या इनमूवेबल होता है कि आप घर पे रह के भी कार्य कर सकते हो. तो जैसे हमें कमाने के लिए, अपनी अर्निंग्स करने के लिए मुझे भी कॉलेज तक जाना पड़ता है, मतलब अपनी जॉब को करना पड़ता है, बट अगर आर्टिस्टिक चाहे तो अपने घर से भी अपने पेंटिंग्स वगैरह को सेल कर सकता है. नेक्स्ट आते हैं हमारे कल्चरल प्रोस्पेंसिटी प्रोपेंसिटी. इसका मतलब क्या है, कल्चरल का हेरिटेज को जानना, पास्ट में कैसी थी, हिस्ट्री कैसी थी, कैसे आप प्रेजेंट में उसे जी सकते हो और फ्यूचर तक आप कैसे पहुंचा सकते हो, ये हमारे कल्चरल प्रोस्पेंसिटी है. उसके बाद अदर जर्नल, नीड ऑफ मनी, मतलब मैंने शुरू में ही कहा आपको अभी कि वोकेशनल नीड को पूरा करने के लिए आप आर्ट को चूज कर सकते हो अपनी लाइफ को एंटरटेन करने के लिए. कोई पेंटिंग सिर्फ इसलिए बनाता है क्योंकि उसे अपने फ्री टाइम को यूज करना है और लाइफ को एंजॉय करना है. और है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके जो वर्च्यूज हैं, आपकी जो गुण हैं उनको इन्हेंस कराना, सोशल नीड्स को फुलफिल करना कि आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, ये भावना आपके अंदर आना. कैरेक्टर बिल्डिंग कराना कि बिकॉज कैरेक्टर जो है ह्यूमन का बड़ी बहुत बड़ा वर्च्यू है या ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो अगर आप इसका गुण कर इसका निर्माण कर लेते हो तो आपकी हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप ही आगे आ जाएंगी. देन आती है नॉलेज, ज्ञान का संचरण करना, स्कॉलर्स ने क्या बातें बताई कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का भी उद्देश्य हमारी आर्ट का है, कला का है. नॉलेज के दो टाइप्स हैं, बुकिश नॉलेज और वर्ल्डली नॉलेज. बुकिश नॉलेज जो ज्ञान आप सिर्फ किताबों में पढ़ के सीखते हो वो आपकी बुकिश नॉलेज होती है, और जो ज्ञान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हो वो हमारी वर्ल्डली नॉलेज होती है. तो हमें आर्ट जो है ज़्यादा वर्ल्डली नॉलेज की तरफ लेके जाता है. इसके बाद आते हैं बॉडी, बॉडी की बात करूँ तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, वीकनेस नहीं रहेगी, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, जब आपकी बॉडी से एंजाइटी दूर हो जाएगी. माइंड की बात करूँ तो हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड की वजह से ही आपकी बॉडी हेल्दी रहती है. तो आपके माइंड को कैसे आप टैकल कर सकते हो, जब आप मेडिटेशन करो, फोकस करो, कंसंट्रेशन करो, तो आप मेडिटेशन ना भी करो, कंसंट्रेशन और फोकसिंग कर रहे हो तो भी आपका माइंड बिल्कुल हेल्दी रहेगा. इसके बाद आती है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल में मतलब है सब वननेस जानना, हर एक चीज में एकता ढूंढना, मतलब कि हमारे समानता है, एकता है, तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं, जब हमारी टेंडेंसी टू डिस्टिंग्विश और अगलीनेस और द राइटनेस अगर हम छोड़ देंगे तो हम जरूर से कर पाएंगे. मेन ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल क्या है, इमेजिनेशन पावर, बच्चा एंटरटेनिंग के साथ साथ अपनी कंस्ट्रक्ट करे, क्रिएटिविटी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन कर पाए. इसके बाद है क्रिएटिव एबिलिटी, बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना कि आप बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हो और आपके अंदर एबिलिटी है कि आप नई एक्टिविटीज़ को क्रिएट कर पाओ. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी,
व्यक्तित्व का विकास करना, यहाँ पे डेवलपमेंट है। पर्सनैलिटी में सारी चीज आ जाएंगी बेटा आपकी, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, नेचुरल, सोशल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके बाद सेंसेस ट्रेनिंग, क्योंकि हम आर्ट जो अपने सेंसेस से ही समझते हैं, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी। देन है एस्थेटिक ट्रेनिंग, क्योंकि हर एक चीज में ब्यूटिफिकेशन ढूंढनी है तो एस्थेटिक ट्रेनिंग इज ऑलवेज देयर जब भी आप आर्ट की बात कर रहे हो, बिकॉज वी आर ब्यूटिफाइंग द होल वर्ल्ड। फीलिंग ऑफ कॉपरेशन, हमें हमारे अंदर टीम स्पिरिट आना, ये हमारी फीलिंग ऑफ कॉपरेशन के अंडर आएगा। इंडस्ट्रियल इफेक्ट, देखो हर एक चीज आपको अट्रैक्ट करती है। अगर मैं इंडस्ट्रियल इफेक्ट पे बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी कंपनी खुल गई हैं जो अट्रैक्टिवनेस पे बात करती है। लाइक अगर कोई घर बना रहा है तो उसे उस घर को वो कैसे ब्यूटिफाई कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, सिंपल डोर लगते थे, लकड़ी के पूरे डोर लग रहे हैं, अब उन्हीं डोर के अंदर डिजाइन बन रहे हैं, अच्छे अट्रैक्टिव हैंडल्स लगाए जा रहे हैं, जो उसके अंदर कुंडी लगाई जाती थी वो भी बहुत अच्छी बनाई जा रही है। किचन की बात करूँ तो कैबिनेट सिस्टम हो गया है, तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इसे जंप करा सकते हो। इसके बाद इकोनॉमिक एजुकेशन, इकोनॉमिक तो आपकी बिल्डअप हो ही जाएगी जब आप इनकी आर्टिस्टिक आपके करेक्टरिस्टिक्स को यूटिलाइज कर पाओगे। देन आते हैं बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन में एनवायरमेंट को सीखना, एनवायरमेंट को एक्सप्रेस करना और बच्चे की फीलिंग को जानने के लिए भी आर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ आर्ट कहाँ कहाँ पे है, ब्यूटिफिकेशन में, सोसाइटी जानने में, कल्चरल हेरिटेज को बचाने में, एजुकेशन से स्ट्रेस रिमूव करने में और क्लास के बोर्डम को दूर करने में आर्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है आर्ट की इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, सोशल, इकोनॉमिकल, वोकेशनल, इन सब में इम्पोर्टेंस है। और जो मैंने अभी पॉइंट बोले थे एप्लीकेशन के, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। और क्राफ्ट भी बच्चों को सोशल बनाता है, क्राफ्ट में चीज़ें करके दिखानी होती हैं। यूज ऑफ आर्ट फर्स्ट ब्यूटिफिकेशन में, अगलीनेस को ढूंढना, मतलब अगलीनेस को दूर करना और ब्यूटिफिकेशन की तरफ बढ़ना फर्स्ट यूज है इसका। दूसरा है आर्ट फॉर डेकोरेशन, मैंने अभी कहा था कि जैसे कोई घर बना रहा है तो डेकोरेशन में यूज हो रही है कि कौन से पिक्चर आप लगा सकते हो, वॉल पे पेंट क्या रहेगा, कैसे पेंटिंग आप लगा सकते हो, पैनलिंग कैसे कर सकते हैं, तो ब्यूटिफिकेशन ढूंढना डेकोरेशन में, ये हमारे किसमें काम आ रहे हैं, सौंदर्य करने में, सजावट के लिए। आर्ट ऑफ सिविलिटी, सिविलिटी मतलब हमारी सभ्यता को बताना कि हम किस सिविलाइजेशन से चल के आए, हमारी हिस्ट्री क्या थी, वहाँ के ऑर्नामेंट्स, उनकी जो गढ़ी गई चीज़ें, उनको देखकर वो कैसे कार्य करते थे। जैसे अजंता एलोरा की केव की सोशलाइजेशन देखी, सिविलाइजेशन देखी, बर्तन कैसे यूज़ करते थे, आभूषण कैसे यूज़ करते थे, तो इससे भी आर्ट की आपको योग्य प्रयोगिता का पता चलता है। इसके बाद आते हैं कल्चरल ग्लिम्स ऑफ आर्ट, कल्चर कैसे हमारे रिलीजियस बिलीव थे, कैसे गॉडेस की पूजा करते थे, ड्रेसेस क्या वियर करते थे और किस टाइम पे कौन सी ड्रेस हमें वियर करनी है, दैट इज आल्सो लीड अस टू द स्पिरिचुअलिटी। देन है आर्ट एंड हिस्ट्री, जैसे हमारी हिस्ट्री से जोड़ता है, इतिहास से जोड़ता है, जैसे कि बहुत सारे मंदिर हैं जो हमारे राजाओं ने महाराजाओं ने बनाए थे, जैसे कोणार्क का मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, केदारनाथ हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, तो ये हमारी हिस्ट्री को बता रहे हैं, तो इनके डिस्क्रिप्शन भी हमें हिस्ट्री आर्ट की वजह से ही मिलती है। एंड इसके बाद इकोनॉमिक यूज ऑफ आर्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप स्किलफुल होके आप स्कल्पचर बन सकते हो, आप ब्यूटीफायर बन सकते हो, डेकोरेशन में आप पार्ट ले सकते हो, आप बिल्डर बन सकते हो जिसमें आर्किटेक्चर में आप पार्ट ले पाओ, तो आर्ट आपको इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी प्रोवाइड करेगा। इसके बाद आती है आर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के डेवलपमेंट में आर्ट कैसे हेल्प करती है। तो जैसे बच्चा प्लेग्राउंड में खेलता है, बच्चा एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, ऐसे ही बच्चे को एक्टिव रखने के लिए, उनकी उसके पोटेंशियल को स्ट्रेंथन अप करने के लिए, बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हम आर्ट को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स, बच्चे को आर्टिस्टिक बना के बच्चा अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को इंटीग्रेट कर सकता है इन डूइंग आर्ट, तो इससे भी बच्चे को डायरेक्शन प्रोवाइड होगी। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग पावर, इन दिस द टीचर गिव द अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी चाइल्ड कि वो सोच सके, समझ सके, उसी सोच को, समझ को वो अपनी पेंटिंग या अपने ड्राइंग या फिर अपने आर्ट के द्वारा दिखा पाए। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ क्लीनलीनेस एंड ब्यूटिफिकेशन, आर्ट आपको ये भी सिखाती है कि यू हैव टू फाइंड द ब्यूटी इन एवरी थिंग, तो आप कैसे चीज़ों को अरेंज करोगे, कलर कैसे करोगे, दिस इज ऑल्सो द गिव अपॉर्चुनिटी टू क्लीनलीनेस एंड ब्यूटिफिकेशन। इसके बाद सेल्फ एक्सप्रेशन, क्योंकि हम चीज़ें जो बोल के नहीं बता पा रहे हैं, सुन के नहीं कह पा रहे हैं, लिख के नहीं बता पा रहे हैं, बट हमारे पास उनको एक्सप्रेस करने के लिए आर्ट है, पोएम है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, ड्रामा है, ड्राइंग है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर्सनल एंड कलेक्टर डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या बताना है बच्चे को कि पर्सनली आप बच्चा कैसे काम कर सकता है, उसको कैसे कंसंट्रेट कराना है और करेक्टर बिल्डिंग कैसे होगी जब बच्चा सोशली कंसंट्रेट, सोशली चीज़ों को सीख पाएगा और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा।
हेल्पफुल इन डेवलपिंग सोशल एंड कल्चरल फीलिंग. यहाँ पे क्या मतलब है कि बच्चा अपनी कल्चरल एंड सोशल फीलिंग्स को क्या कर पाए, डेवलप कर पाए, कंपटीशन से दूर हो जाए, चीज़ों को अरेंज कर पाए, तो यहाँ से उसकी कल्चरल फीलिंग भी, मतलब अपने सोशल हमारे नॉर्म्स क्या हैं उनको फॉलो करना, कल्चर की प्रिजर्वेशन करना, हिस्ट्री से सीखना और उसे आगे अपना कंजर्व करके रखना. हेल्पफुल इन टीचिंग एंड स्टडीज, बच्चों को पढ़ाने में उनका इंटरेस्ट गेन कराने, पिक्चर दिखा सकते हैं, मटेरियल दिखा सकते हैं, कलरफुल चीज़ें यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमें हेल्प करेगा. बेस्ट यूज ऑफ लीजर टाइम, ये मैंने आपको बताया कि हमारा जो खाली समय है हम उसे मनोरंजन के लिए यूज कर सकते हैं, उसे अपनी हैबिट बना सकते हैं. जब भी आप डिप्रेशन में हो तो भी आप इन चीज़ों को यूज करके बहुत रिलीफ फील कर सकते हो. डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे देश का, राष्ट्र का विकास और हमारी जिम्मेदारी. आर्टिस्टिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आर्ट के द्वारा हम अपने देश के व्यू पॉइंट को बता पाएंगे, अपने देश की हैप्पीनेस को बढ़ा पाएंगे, तो इससे भी हमारा नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है. देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट, मैंने आपसे अभी बात करी थी, म्यूजिक है, ड्रामा है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, ड्रॉइंग है, नीडल पेंटिंग है, टेपस्ट्री है, रिलीजियस पेंटिंग है, असेंबलेज है, आर्किटेक्चर है, ग्राफ्टी फोक है, फोक डांस है, तो ये सारे हमारे अलग अलग फॉर्म्स हैं और इनको भी हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं, पेन से, इंक से, स्केचिंग से, पेंटिंग से, ऑयल कलर से, और भी देर आर स्केच पेन्स हैं, ब्रशेज हैं, उनका यूज करके हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. अब आर्ट की बात करूँ मैं, दो टाइप की होती है द विजुअल आर्ट. जब भी आप चीज़ों को सिर्फ विजुअली प्रेजेंट कर रहे हो इन द 2D फॉर्म, दैट इज नोन एज योर विजुअल आर्ट. यहाँ पे आप चीज़ें बना रहे हो, क्राफ्ट कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, ग्राफिक डिज़ाइन डाल रहे हो, तो हमारी ऐसी चीज़ें जो हमें विजुअल सेंस प्रोवाइड करती हैं वो हमारी विजुअल आर्ट के अंदर आएंगी. नेक्स्ट आते हैं की एलिमेंट. आपके आर्ट के एलिमेंट्स क्या हैं, कला के मुख्य तत्व क्या हैं, तो आपके मुख्य तत्व इसमें क्या हैं, लाइन है, शेप है, टेक्सचर है, फॉर्म है, स्पेस है और कलर है, ये हमारे मुख्य एलिमेंट है. अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन हमारी 1D होती है. सबसे पहले ध्यान रखो लाइन की कोई भी विड्थ नहीं होती, देयर इज ओनली लेंथ, एंड इसे आप पेपर पे बना सकते हो. तो हमारे किस प्रकार की लाइन होती है, द डॉटेड लाइन, द सर्कल चेन, द जिगजैग, डैश, क्लाउड, हिल, लूप्स, वेवी, माउस एरिया, लाइटनिंग, स्विरल, कैस्टल, दीज आर द काइंड्स ऑफ लाइन, स्लेंट लाइन, पैरल लाइन, दीज आर ऑल्सो द काइंड. इसके बाद आती है शेप हमारी 2D होती है जिसकी लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, एंड फॉर्म हमारी 3D होती है जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सारी होती हैं. तो जब आप शेप्स की बात करोगे तो ये हमारी 2D के अंदर आ जाएगी, फॉर्म की बात करोगे तो वो हमारी 3D के अंदर आ जाएंगी. इसके बाद आता है टेक्सचर. टेक्सचर क्या है कि सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कैसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है या कैसे डिजाइन किया गया है उसे, वो हमारा क्या कहलाता है, टेक्सचर कहलाता है, बनावट कहलाती है. जैसे ये हमारा अर्थी टेक्सचर हो गया, ये हमारा वुडी सा टेक्सचर हो गया, ये लीफ टेक्सचर है, ये विजुअल टेक्सचर्स हैं, ठीक है. तो दीज आर द काइंड ऑफ टेक्सचर, ये फिजिकल टेक्सचर हैं जो हमारे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, मतलब 3D फॉर्म में हैं और ये विजुअली शो करने के लिए बनाए गए हैं. तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना टेक्सचर होता है. माउंटेन्स का अपना टेक्सचर है, ग्रेई टेक्सचर आपने देखा होगा, मिट्टी का अपना टेक्सचर है. इसके बाद आपके डिफरेंट टेक्सचर्स हैं मटेरियल के. फोर्थ आता है स्पेस, इसे हाईलाइट कर लेना बेटा. स्पेस क्या होता है, किस एरिया पे आपकी पेंटिंग को, आपकी ड्राइंग को, आपकी किसी भी आर्टिस्टिक फॉर्म को ड्रॉ या करके दिखाया जाता है, वो हमारा स्पेस कहलाएगा. तो हमारे 3-4 तरह के होते हैं कि फोरग्राउंड मतलब उसके पीछे का क्या है, मिडिल ग्राउंड, और उसके बाद बैकग्राउंड क्या है हमारे. तो हम जिस पोर्शन पे काम कर रहे होते हैं वो हमारा स्पेस कहलाता है, और जिस पोर्शन पे आप प्रोमिनेंट पोर्शन पे काम कर रहे हो वो आपका एक्टिव स्पेस होगा, जो रेस्ट ऑफ स्पेस रहेगा वो आपका नेगेटिव या हमारा कौन सा स्पेस, हाँ नेगेटिव स्पेस इज ऑल्सो देयर. तो एक्टिव स्पेस क्या है, जिसपे आपने काम किया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल एक्टिव स्पेस कहलाएगा. और जब आपने चीज़ों को नहीं मतलब आप अपनी चीज़ों को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी थॉट्स को एक एक्सप्रेशन नहीं दे पाए और आपने कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर लिया, इमेजिनेशन को आपने ड्रॉ कर लिया है जस्ट इन द रॉ फॉर्म, तो वो हमारा नेगेटिव स्पेस कहलाएगा. मतलब मुझे बनाना ये था बट मुझे ये अच्छे से बनाना नहीं आया, तो मैंने ऐसे कोई बाउंड्री बना दी इनके लिए, वो मेरा नेगेटिव स्पेस हो जाएगा. डिवीजन ऑफ स्पेस, दो टाइप से आप डिवीजन कर सकते हो, द फॉर्मल डिवीजन एंड द कैसी इनफॉर्मल डिवीजन. तो डिवीजन क्या होती है, जब आप स्पेस को किसी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो तो वो आपकी डिवीजन कहलाएगी. फर्स्ट हमारी फॉर्मल डिवीजन. फॉर्मल डिवीजन क्या होती है, जब स्पेस को आप इक्वली डिवाइड करते हो हर एक स्टेट में. मान लो ये मेरा स्क्वायर है,
डायगोनली में कट कर रही हूँ, ऐसे कट कर रही हूँ या ऐसे कट कर रही हूँ, तब इक्वली डिवाइड कर रही हूँ ना, ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है। तो जब आप बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी अनसर्टेनिटी के आप अपने स्पेस को इक्वली डिवाइड कर देते हो तो वो हमारा फॉर्मल स्पेस कहलाएगा, और जब आप अपने स्पेस को फॉर्मली डिवाइड नहीं करते हो ये हमारा इनफॉर्मल स्पेस कहलाएगा। इसके बाद आते हैं कलर। जिस जो भी आपके सामने ऑब्जेक्ट है जब उस पर लाइट फॉल करती है तो वो कौन कौन से कलर आपको इल्यूमिनेट करके दिखाता है, वो आपकी कलरिंग हो जाएगी। जैसे देर आर 7 कलर्स इन सन रेज, सनलाइट। एंड इसके बाद जो कलर आपको दिखाई देते हैं, जैसे सन रेज इट स्प्लिटेड इनटू द 7 कलर, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। तो जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपकी विजिबिलिटी के अंडर आते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हो, विजिबल कलर्स बोला जाता है। तो ये हमारे विजिबल कलर आ जाएंगे, और ये बनाता है विब्योर। आई थिंक आप सबको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, नहीं पता तो ये आपको होमवर्क है, आपको खुद से करना है। इसके बाद आते हैं प्राइमरी कलर, जिनको द कलर दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग, जिनको क्रिएट मिक्स करके क्रिएट नहीं किया गया, जैसे रेड, येलो और ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर कहलाते हैं। एंड द सेकेंडरी कलर, जिसे दो या दो से ज़्यादा कलर को मिक्स करके बनाया गया है, उसे आप सेकेंडरी कलर बोलोगे। तो ये हमारे तीन प्राइमरी कलर हैं, द येलो, द रेड एंड द ब्लू। एंड सेकेंडरी कलर होते हैं, जैसे रेड और येलो को मिक्स करोगे तो ऑरेंज कलर आ जाएगा, येलो और ब्लू को मिक्स करोगे ग्रीन कलर आ जाएगा, ब्लू एंड रेड को मिक्स करोगे तो देयर इज अ पर्पल कलर। और ऐसे ही हमारे पॉपअप कलर बाहर आ जाएंगे जब हम नंबर ऑफ कलर्स को मिक्स कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग टेक्स्चर्स में, सॉरी अलग अलग क्वांटिटी में। इसके बाद आते हैं हॉट कलर एंड कूल कलर, जो कलर अगर आपको हीट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे हॉट कलर कहलाएंगे। द शेड्स प्रिपेयर्ड बाय द ब्लू, वायलेट, ग्रीन क्रिएट अ कूल इफेक्ट। जो आपको कूल इफेक्ट दे रहे हैं, जो आपको हॉट इफेक्ट दे रहे हैं वो हॉट कलर कहलाएंगे, और जो आपको कूल इफेक्ट दे रहे हैं वो कूल कलर कहलाएंगे। तो ये हमारे वार्म कलर या हॉट कलर हैं, ये हमारे कोल्ड कलर हैं। तो हमारे कौन कौन से हैं, रेड है, ऑरेंज है, येल्लो है, येल्लो ऑरेंज है, रेड ऑरेंज है, ये हमारे एंड वायलेट, रेड वायलेट, ये वार्म कलर के अंदर हैं। वायलेट, ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन एंड येलो ग्रीन, ये हमारे कूल कलर के अंदर आएंगे। इसके बाद आती है न्यूट्रल ग्रेज। न्यूट्रल ग्रेज क्या होता है, देखो हमारे पास क्या है, प्राइमरी कलर भी हैं, सेकेंडरी कलर भी हैं, और सेकेंडरी को भी मिक्स करके नए कलर जो बनते हैं वो हमारे टर्शरी कलर होते हैं। तो जब हम सेकेंडरी और टर्शरी कलर को मिक्स कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप सेकेंडरी एंड टर्शरी कलर को मिक्स कर रहे हो तो आपका कलर बहुत ज़्यादा हाईली सेचूरेटेड नहीं आता, मतलब उसकी पिगमेंटेशन काफ़ी हाई नहीं आती, बहुत लाइट सी पिगमेंटेशन आती है, तो आप उसे क्या बोलोगे, न्यूट्रल ग्रेज बोलेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ग्रेज। देखो ये वाला कितना न्यूट्रल है, सो इट इज द ब्लेंड ऑफ बिल्कुल लाइटेस्ट ग्रे एंड व्हाइट। नेक्स्ट आती है वैल्यू या टोन। वैल्यू क्या होती है, लाइटनेस और डार्कनेस देखना, ये हमारी वैल्यू या टोन कहलाएगी। तो किसी भी कलर की वैल्यू देखना कि वो कैसा कलर है, डार्क कलर है या लाइट कलर है, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। तो ये हमारी क्या है, टोन है, मतलब ये ब्लैक कलर था और ब्लैक की लाइट लाइट शेड ये आ रही है, ऐसे ये रेड कलर था, रेड की डार्क ये है और ये लाइट ये शेड है, ठीक है। इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव। और आर्ट के पेपर में आपसे एक सजेशन और देना चाहूंगी मैं आप लोगों को, कि आप कलर्स भी जरूर लेके जाओ, क्योंकि आपको कलर्स दिखाने हैं तो वो आप दिखा कैसे पाओगे, अगर आपको प्राइमरी कलर ही बताना आ गया तो आप नहीं बता पाओगे। इसके बाद आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव क्या है, जहाँ पे आप खड़े हो, जैसे आप एक रोड पे ही खड़े हो तो डिस्टेंस तक आप क्या देख पाते हो, जैसे मुझे यहाँ से रोड ना इतना चौड़ा दिख रहा है, पर जैसे मैं लास्ट तक देखती हूँ ना, मुझे कुछ ऐसा दिखता है वो रोड, आगे जाके छोटा होता हुआ। तो पर्सपेक्टिव क्या है, कि जब आप किसी चीज को, व्हेन यू आर अपीयरिंग समथिंग और व्हेन यू आर सीइंग समथिंग, वॉचिंग समथिंग, तो उसका डिस्टेंस से, उस ओरिजिन से आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो आपकी क्या कहलाएंगे, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव पे एक वैनिशिंग पॉइंट भी होते हैं, कि जहाँ पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मीटअप करता हुआ दिखाई देता है, तो वैनिशिंग पॉइंट भी होते हैं। कुछ चीज़ों के कई, एक से ज़्यादा वैनिशिंग पॉइंट भी होते हैं, जैसे इसका वैनिशिंग पॉइंट एक है, इसके वैनिशिंग पॉइंट दो है, इसके वैनिशिंग पॉइंट थ्री है। नेक्स्ट आता है रिदम। रिदम क्या होती है, कि आप किसी चीज़ को मूव कैसे करते हो, मतलब आपकी लाइन की रिपीटेशन क्या है, शेप की रिपीटेशन क्या है, कलर की रिपीटेशन क्या है, आपकी, आपके जो व्यूअर हैं वो उस पिक्चर को देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ चीज़ें रिपीटेड ऑफ टाइम हो रही हैं, तो वो आपकी रिदम कहलाएगी। तो जैसे दिस इज द रिदम, आपने देखा कि बीच में ग्रीन कलर है, फिर पिंक कलर है, फिर लाइट ग्रीन है, फिर पिंक की एक लाइन है, एंड देन फिर से ग्रीन कलर आ गया, फिर पिंक कलर आ गया, फिर ऐसे ही डार्क ग्रीन आ जाएगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, सॉरी रिदम। टाइप्स ऑफ रिदम की बात करूं, देर आर नंबर ऑफ टाइप्स। तो फर्स्ट है हमारा अल्टरनेटिव टाइप, जिसके अंदर आपके रिदम क्या है, एक के बाद एक रिदम आ रही है, तो आप उसे अल्टरनेटिव रिदम बोलोगे। तो देखो
पहले रेड कलर आया ब्लू, फिर इसके बाद यहाँ पे रेड कलर आया, बीच में कोई और कलर आ रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, तो ये हमारी अल्टरनेटिव काइंड है। इसके बाद रैंडम, जिसमें कोई भी रिपीटिंग, मतलब नंबर ऑफ रिपीटिंग तो है बट कोई परफेक्ट या सीक्वेंशियल ऑर्डर जो है, अरेंजमेंट जो है, फॉलो नहीं हो रही है। तो देखो कोई भी कलर कहीं भी आ रहा है तो ये हमारा रैंडम हो जाएगा। इसके बाद आता है फ्लोइंग रिदम। फ्लोइंग रिदम में क्या है, जिसके अंदर आपकी आर्ट जो है ऐसी लग रही है कि मूवमेंट कर रही है। देखो ये मूवमेंट, और ऐसा लग रहा है ना कि ये पेंसिल मूवमेंट करके ऐसे हो गई है। इसके बाद आता है रेगुलर रिदम, जिसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं आप अरेंजमेंट को मेजर कर सकते हो, उसके स्पेस को देख सकते हो, तो वो हमारी रेगुलर होंगी कि ये वाली टाइल थी, फिर इसके बाद ये वाली टाइल ऐसे रिपीट हुई, ऐसे ऐसे टाइल करके रिपीटेड हो रही है। इसके बाद आती है प्रोग्रेसिव, जिसमें आपके रिपीटिंग एलिमेंट रिपीटेड हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो आगे तक भी रिपीटेड होते चले जाएंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रोग्रेसिव। इसमें ऐसे ना स्पायरल भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। सो दिस इज द रिपीटिंग, कि आगे चल के कोई और कलर आ जाएगा, वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट क्या होता है, जब आप आर्ट को परफॉर्म करके दिखा सकते हो, एक्सप्रेस करके दिखा सकते हो, सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन विजुअल नहीं है तो वो आपकी परफॉर्मिंग आर्ट कहलाएगी। यहाँ पे आप अपनी आर्ट को बॉडी एक्शन से भी क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, परफॉर्मिंग आर्ट। तो वॉइस, बॉडी, फेसेस, इन चीजों से जब अपने आप की एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो परफॉर्मिंग आर्ट है, होती है वो। जैसे डांस, म्यूजिक और ड्रामा, दीज आर द काइंड्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। डांस क्या होता है, बॉडी की रिदमिक मूवमेंट को ही आप डांस कहते हो, विद इन द गिवन स्पेस एंड विद द हेल्प ऑफ गिवन म्यूजिक, दैट इज नोन एज योर डांस। एंड डांस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द इमोशंस, द रिलीजिंग एनर्जी एंड सिंपली टेकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ इटसेल्फ टू गिविंग आर सेल्फ द प्लेजर। तो ये भी ज्यादा स्किलफुल हो गए हैं नाउअर डेज, क्योंकि डांस की देर इज अलग अलग फॉर्म ऑल्सो फाउंडेड। तो देर आर टू कंसेप्ट ऑफ आर्ट, डांस एंड डांस इज अ पावरफुल इम्पल्स, एंड जैसे आपका कोरियोग्राफर आपको कराता है, और दूसरा मेन फॉर्म आपकी क्या है, म्यूजिक। आपका म्यूजिक दूसरी फॉर्म है जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट आता है हमारा म्यूजिक। म्यूजिक क्या है, जब आप अपनी वॉइस को पिच, रिदम, डायनेमिक सिचुएशन के साथ एक ऐसे साउंड को प्रोड्यूस करो जो आपको सूदिंग लगे, मतलब आपको हील कर रहा है, तो वो आपका म्यूजिक कहलाएगा। म्यूजिक में भी बात करूँ तो फॉक होते हैं, जैज होते हैं, पॉप होते हैं, हिप हॉप हैं, रॉक सॉन्ग्स हैं, क्या बोलते हैं जिसके अंदर पैराग्राफ बोल के बताया जाता है, रैप सॉन्ग्स इज ऑल्सो देयर। तो ये भी हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट है, इसमें भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। और सबसे बड़ी बात बताऊँ तो हमारे रिलीजियस बिलीव को जरूर से एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी गाने की, रघुपति राघव राजा राम, तो दीज आर द काइंड ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन को शो करते हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। देर आर लॉट ऑफ टाइप, मैंने ये बता दिया आपको कि फॉक, जैज, हिप हॉप, हॉप, रॉक, अभी रैप, क्लासिकल, स्पिरिचुअल एंड पॉपुलर म्यूजिक ऑल्सो। इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा इन टीचिंग। ड्रामा क्या होता है बेटा, सबसे पहले जानो ड्रामा क्या होता है। जब भी आप किसी चीज को एक्ट करके उस सिचुएशन को दोबारा से रिपीट करके दिखाने जा रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टिमुलेट दैट सिचुएशन अगेन, दैट इज नोन एज ड्रामा। तो टीचेस सेल्फ एक्सप्रेशन। यहाँ पे बच्चे को खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है ये सिखाया जाता है, उसके आई कॉन्टेक्ट कैसा रहेगा, बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी, या रोल प्लेइंग कैसा रहेगा वो सिखाना, लाइफ की स्किल की ट्रेनिंग सिखाना, टीम वर्क सीखे, कंपैशन सीखे, कॉपरेशन सीखे, अहिंसा सीखे, कोलेबरेशन सीखे। तो ये हमारे क्या है, ड्रामा। उसके बाद है लर्न कंस्ट्रक्टिविस्ट क्रिटिसिज्म, और कब उसे अपने आप को, कब उसे क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करना है, कब उसे आलोचना करनी है। आलोचना हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, ये भी मैं बहुत बार बोलती हूँ। आलोचना इसलिए भी होती है कि आप चीजों का रीजन ढूंढने जा रहे हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, बच्चा अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेलरेट कर पाएगा। वॉइस, कब उसे हाई पिच रखनी है, कब लो पिच रखनी है, कब उसे स्टॉप हो जाना है। इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, बच्चे की इनहेंस होती है कि अगर वो ग्रुप में है, इंडिविजुअल है या किसी काम में है तो वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। एंड द स्टूडेंट इज गोइंग टू लीड आफ्टर दैट, उसकी लीडरशिप क्वालिटी इज ऑल्सो इनहेंस्ड। बेनिफिट की बात करूंगी तो अच्छा, बेटर लर्निंग हो जाएगी। एम्पैथिसाइज, मतलब बच्चा जो है दूसरे के साथ सहानुभूति ना दिखा के दूसरे की जगह अपने आप को रख के सोचेगा, देखेगा। कोऑपरेशन बढ़ेगा, कोऑपरेट लर्निंग बढ़ेगी, कोलेब्रेशन बढ़ेगा। और जो बच्चे हैं सोसाइटी, ये दिस इज अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट टू द सोसाइटी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो आपकी चीजों में करने में उत्प्रेरक होते हैं। मतलब अगर आपको किसी चीज को अवेयर करना है तो उसको अवेयरनेस दिखाने के लिए आपके पास जो कैटलिस्ट है वो आपका ड्रामा हो सकता है। कॉम्प्रिहेंशन, मतलब काफी व्यापक है ये चीजें, और बच्चे को एजुकेशन में भी हेल्प करेगी और एक्सपीरियंसेस गेन करने में भी। अगर मैं विजुअल आर्ट की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो बहुत ज्यादा है। इमेजिनेटिव पावर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, स्किल्स ओरिएंटेड होगा, आर्टिस्टिक स्किल आएंगी,
उसके बाद रिप्रेजेंटेशन आएगी, तो प्रोवाइडेड हेल्प इन स्कूल टास्क, बच्चों के जो स्कूल के टास्क हैं उसमें हेल्प करता है, क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है बच्चों का, कब उसे वीडियो, जैसे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और आई कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। इसके बाद लर्निंग फ्रॉम रियल आर्टिस्ट, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट कलाकारों से सीखते हो तो भी आप उन चीज़ों का विश्लेषण बहुत अच्छे से कर पाओगे और उसके बाद जज करके आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो। पेइंग अटेंशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मैंने अभी कहा कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, अटेंशन शो करेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा कि कौन सा कार्य उसे स्वयं से करना है। डिसीजन मेकिंग बढ़ेगी क्योंकि उसे डिसाइड करना है क्या ऑब्जेक्टिव है, डिटरमाइन करना है, एनालाइज करना है और सिचुएशन को समझना है, तो डिटरमिनेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग पावर इज ऑल्सो इनहेंस्ड। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस, परफॉर्मिंग आर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले जानो कि ये STM पे काम करती है हमारी आर्ट। STM मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो ये हर एक फ्रेमवर्क पे काम कर रही है, हमें ऐसी रियल लाइफ सिचुएशन दे रही है जो हमारे आपको हमारी लाइफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में और हमारी लाइफ में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो ऐसी नेसेसिटीज हैं जैसे नेसेसरी स्किल्स बच्चा सीख जाए, कोर स्किल सीख जाए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, एंजाइटी बोर्डम स्ट्रेस से दूर रह पाए बच्चा, और न्यूमरस स्टेप्स है वो ले पाए, अपने आप को नेविगेट कर पाए कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, और इससे बच्चा कम्युनिकेशन भी अच्छे सीखेगा कि ग्रुप में जाना है, इंडिविजुअल जाना है, या आपके पास कोई भी नहीं है तो आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, और बच्चे जो हैं प्रॉपरली बिना जजमेंट के चीज़ों को कर पाएंगे, एंड ऑल्सो दे कैन मेक देयर इमेजिनेशन एज अ प्रूफ दूसरों के सामने ला सकते हैं। क्रिएटिविटी इनहेंस होगी। फोस्टर बॉन्डिंग, दूसरों के साथ जो बॉन्डिंग है बच्चे की वो ज़्यादा इनहेंस होगी। डिसिप्लिन बढ़ेगा क्योंकि बच्चे जो हैं आर्ट में आपने देखा होगा आर्ट के पीरियड में बच्चे ज़्यादा हल्ला नहीं मचाते, शोर नहीं मचाते, बैठ के अपनी कलरिंग कर रहे होते हैं बिकॉज उन्हें ये प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है। दिस इज अ काइंड ऑफ स्किल ड्रिल और इसके साथ साथ बच्चे की जो है स्किल की ट्रेनिंग हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन वे सीखते हैं और फोकस भी बना रहता है। इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल आ जाएंगी, राइट रॉन्ग बताना, अगली ब्यूटी बताना उनके अंदर, अपने आप को नेविगेट करना, रिलेशनशिप में कॉपरेशन देखना, तो इससे उनकी जो लाइफ लॉन्ग जीवन के महत्वपूर्ण कौशल हैं उनका भी विकास होगा। इसके बाद है रिजिलेंस। रिजिलेंस क्या होता है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना कि कब बच्चा, देखो मान लो आपने कोई हॉर्स देखा और बच्चे ने ना उसे डिजाइन किया, बट बच्चा उसमें ना तो ब्लैक कलर करना चाहता है, ना व्हाइट कलर करना चाहता है, ना ही वुडन सा कलर करना चाहता है, तो वो अपनी इमेजिनेशन से कोई भी कलर कर देता है। जैसे आपने देखा होगा यूनिकॉर्न, आपने सुना भी होगा, तो वो पिंकिश कलर का होता है, लंबे लंबे हेयर्स उसके होते हैं। तो रिजिलेंस का मतलब है जब आप अपनी इमेजिनेशन को बता रहे हो, समझा रहे हो, तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो, यू कैन बी द अवे फ्रॉम द रियलिटी और अपनी इमेजिनेशन को भी शो कर सकते हैं। डेवलपमेंट बेनिफिट क्या होंगे बच्चे के? कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, मोटर स्किल्स इनहेंस होगी, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता, विजुअल लर्निंग दृश्यात्मक जो अधिगम है वो बढ़ेगा, इंसेंटिव होगा एक, एंड बच्चे इन्वेंट करना सीखेंगे, एंड स्टूडेंट आर गोइंग टू बी सेल्फ एस्टीम क्योंकि वो अपने आप से कार्य कर रहे हैं और जब बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता ही होता है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको चैप्टर 2 समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।